हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए क्रोशित तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये तोरण का इसके लिए मैंने पिंक और येलो कलर का कॉम्बिनेशन लिया है जो वूल लिया है वो फोर प्ले का वूल है फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के की बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए इसे क्या होगा मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे चलिए सीखते हैं ये डिजाइन कैसे बनानी है इसके लिए मैंने लिया है येलो कलर का फोर प्ले का वुल सेवेंटी फाइव ग्राम पिंक कलर का फोर प्ले का वुल फिफ्टी ग्राम और क्रोशे हुक है मेरा 1.75 पॉइंट mm का इस पूरे तोरण के लिए हमें 119 सौ लेंस बना के लेनी है उसमें से जो येलो कलर की लाइन है वो 117 सौ सत्रह लाइन्स है और ये दो लाइन पिंक कलर की है स्टार्टिंग का एक लाइन और एंड का एक लाइन इस तरह से टोटल 119 सौ लेंस बना के लेनी है ये जो पिंक कलर का आउटलाइन है ये टोटल फिफ्टी नाइन डिज़ाइनस है इस तरह से ये तोरण पट्टी बना के लेनी है देखिए यहाँ से हमारे स्टार्टिंग में एक दो तीन चार चार डिज़ाइन के बाद मैंने ये धागा लगाया है आपके पास अगर मार्कर है तो आप मार्कर भी लगा सकते हैं अब यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह सत्रह डिज़ाइन के बाद मैंने ये दूसरा धागा लगाया है इस सत्रह डिज़ाइन में हमारा पहला पैटर्न बनेगा अब यहाँ से आगे की सत्रह लाइन में हमारा दूसरा पैटर्न बनेगा अब ये जो सत्रह डिज़ाइन है इसमें हमारा पहला पैटर्न बनेगा अब हमें दोनों साइड से पांच-पांच डिज़ाइन छोड़ देनी है एक दो तीन चार और ये पांच स्टार्टिंग से और एंड से पांच पांच डिज़ाइन हमने छोड़ के ये जो सेंटर की सात लाइन है इसमें हमारा पैटर्न स्टार्ट करेंगे देखिए ये सात डिज़ाइन है पहले हम पांच डिज़ाइंस के बाद यहाँ पे धागा लगा के लेंगे ये सेंटर के सात डिज़ाइन है इसके पहले और ये बाद में हमने ये धागा लगाना है अब ये सात डिज़ाइन छोड़ के दूसरा धागा लगाएंगे यहाँ से हमने पांच डिज़ाइन छोड़ी और यहाँ से पांच और सेंटर के सात डिज़ाइन में हम ये फ्लावर ज्वाइन करेंगे ये जो फ्लावर है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए हमें ये जो टोटल बारह पेटल्स है उसमें से ग्यारह पेटल ही चाहिए तो लास्ट का जो पेटल है हम डिवाइड करेंगे देखिए ये जो ये पेटल है हम हाफ में डिवाइड करेंगे हमें ग्यारह पेटल ही चाहिए तो ये बारह पेटल हम साइड में डिवाइड करेंगे ये दोनों पेटल में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करेंगे इस तरह से तो ये टोटल हमारे ग्यारह पेटल्स हो गए देखिए पहला पेटल हम यहां पे ज्वाइन करेंगे पिंक कलर का धागा लिया है मैंने ये पहला चैन लिया हमने स्टार्टिंग का अब क्रोशो के ऊपर हमें दो बार धागे को लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशड बनाने हैं इस जो पहले पैटर्न में हमने चार ट्रिपल क्रोशेड बनाने हैं ये पहला ये दूसरा दो बार धागे को लेना है क्रोशोक के ऊपर ये तीसरा ट्रिपल क्रोशेट और ये चौथा चार ट्रिपल क्रोशेट हमने यहाँ पे कंप्लीट किए अब जो नेक्स्ट पेटल है वो लेना है उसमें भी हमें चार ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं क्रोशियो के ऊपर दो बार धागे को लेना है ये पहले दो लूप में इस धागे को लिया फिर दूसरे दो लूप में से फिर तीसरे लूप में से इस तरह से ट्रिपल क्रोशेट बनाना है तीन बार दो दो लूप में से धागे को बाहर लेना है चार ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं इसी तरह से हमें नेक्स्ट पेटल में भी चार ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चार इस तरह से आगे के सारे पेटल में हमें चार चार ट्रिपल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं देखिए सारे ट्रिपल क्रोशेट मेरे हो गए अब ये लास्ट का जो पेटल है इसमें हम चार ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे पहला हो गया ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा चार ट्रिपल क्रोशेट हमने कंप्लीट किए ठीक है ये हमें सातवा जो हमारा डिज़ाइन है उसके बाद हमने मार्कर लगाया है वहाँ पे ज्वाइन करना है टोटल तो ग्यारह डिज़ाइन हमने बनाई है यहाँ पे। और ये जो सातवें डिज़ाइन के बाद मार्कर लगाया है वहाँ पे हमें ये ज्वाइन करना है एक स्लिप स्ट से, से मैंने ये ज्वाइन कर दिया अब हमें धागे को कट करना है अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है देखिए जो नेक्स्ट ये डिज़ाइन है चार डबल क्रोशेट का इसके सेंटर में मैंने ये येलो कलर का धागा ज्वाइन किया है चार डबल क्रोशेट के सेंटर में धागा ज्वाइन करना है एक चैन लिया आ, मैंने चार ट्रिपल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है यहाँ पे हमें चार डबल क्रोशेट बनाने हैं ये पहला हो गया ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा एक चैन लेना है हमें आगे का जो ये स्पेस है यहाँ पे चार डबल क्रोशेट पहले राउंड में हमने चार चार ट्रिपल क्रोशेट बनाए हैं अब यहाँ पे हम चार चार डबल क्रोशेट बना रहे हैं एक चैन लेना है आगे सेम चार डबल क्रोशेट बनाने हैं दो हो गए ये तीसरा और ये चौथा फिर से एक चैन लेना है इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक आना है देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए अब हमें एक चैन लेना है ये जो चार डबल क्रोशेट है पिंक कलर के इसके सेंटर में हमें ये स्लिप स्टिच से जॉइन करना है अब हमें दो चैन लेनी है एक और दो आगे का जो ये स्पेस है यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेना है अब टर्न करना है टर्न करने के बाद हमें एक चैन लेना है आगे के जो ये चार डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हम दो डबल क्रोशेट बनाएंगे पहला और ये दूसरा एक चैन लेंगे नेक्स्ट जो ये स्पेस है यहाँ पे दो डबल क्रोशेट पहला और ये दूसरा एक चैन लेना है आगे के चार डबल क्रोशेट के सेंटर में दो डबल क्रोशेट ये पहला और ये दूसरा एक चैन लेंगे नेक्स्ट स्पेस में दो डबल क्रोशेट पहला और ये दूसरा एक चैन लेना है इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके लेना है और यहाँ तक आना है देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए अब हम एक चैन लेंगे अब ये जो चार डबल क्रोशेट के पास स्पेस है यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे एक चेन लिया मैंने धागे को कट कर देना है अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है अब हमें पिंक कलर का धागा ज्वाइन करना है देखिए जो चार डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हम ये धागा ज्वाइन करेंगे अच्छे से एक दो नॉट लगा के लेनी है सबसे पहले हमें एक चैन लेना है ये जो स्पेस है एक चैन का यहां पे हम तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा एक चैन लेंगे आगे का जो ये स्पेस है यहाँ पे भी तीन डबल क्रोशेट पहला ये दूसरा और ये तीसरा एक चैन लेंगे आगे के चैन स्पेस में तीन डबल क्रोशेट पहला ये दूसरा और ये तीसरा एक चैन लेंगे नेक्स्ट स्पेस में तीन डबल क्रोशेट पहला दूसरा और ये तीसरा एक चैन लेना है इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करके लेना है यहाँ तक आना है देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए अब हमें चार डबल क्रोशेट के सेंटर में एक स्लिप स्टिच से ये जॉइन करना है दो चैन लेनी है आगे का जो ये स्पेस है यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेना है टर्न करना है टर्न करने के बाद एक चेन लेना है अब आगे के तीन डबल क्रोशेट के ऊपर हम चार डबल क्रोशेट बनाएंगे ये पहले डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे जो ये सेंटर का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम दो डबल क्रोशेट बनाएंगे ये पहला और ये दूसरा तीसरे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट इस तरह से हमने ये टोटल चार डबल क्रोशेट बनाए तीन डबल क्रोशेट के ऊपर देखिए जो पहला डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट सेंटर के डबल क्रोशेट के ऊपर दो डबल क्रोशेट बनाएंगे और ये जो लास्ट का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट इस तरह से हमने चार डबल क्रोशेट बनाए देखिए ये पहला ये दूसरा सेम डबल क्रोशेट के ऊपर तीसरा और लास्ट के डबल क्रोशेट के ऊपर चौथा तीन डबल क्रोशेट के ऊपर चार चार डबल क्रोशेट बनानी है इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए अब ये चार डबल क्रोशेट के बाद जो ये स्पेस है यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे एक चेन लिया ताकि को कट करना है अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है अब हम येलो कलर का धागा ज्वाइन करेंगे ये जो पिंक कलर के चार डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हम ये धागा ज्वाइन करेंगे साथ साथ चैन के लूप बनाने हैं हमें एक दो तीन चार पाँच छ और सात ये जो चार डबल क्रोशेट है उसके बाद जो ये स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट से क्लोज करेंगे फिर से सात चेन बनानी है तीन चार पाँच छ सात चार डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे सिंगल क्रोशेट सात चेन बनानी है और ये चार डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट इसी तरह से ये सारे लूप बना के लेने हैं यहाँ तक आना है देखिए सारे लूप हमारे हो गए अब जो ये चार डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हम एक स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे अब हमें चार से पांच चेन लेनी है आगे के जो चार डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हमें एक स्लिप स्टिच लेनी है। टर्न करना है टर्न करने के बाद हमें सात चैन बनानी है एक दो तीन चार पाँच छ और सात ये जो हमने सात सात चैन के लूप बनाए हैं इसमें हम ये सिंगल क्रोशेट से क्लोज करेंगे फिर से सात चैन बनानी है आगे का जो लूप है वहां पे एक सिंगल क्रोशर बनाना है इस तरह से ये सात सात चेन के लूप बना के हमें ये राउंड कंप्लीट करके लेना है देखिए सारे लूप हमने ये कंप्लीट करके ले लिए हैं अब जैसे वहाँ पे चार डबल क्रोशेट के सेंटर में हमने ये स्लिप स्टिच लिया था उसी तरह से यहाँ पे भी ये चार डबल क्रोशेट के सेंटर में एक स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे अब हमें ये धागा कट करना है अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है अब हम पिंक कलर का धागा लेंगे देखिए ये हमने फ्लावर का जो साइड है फ्रंट साइड यहाँ पे टर्न करके लिया है अब ये जो स्पेस है चार डबल क्रोशेट के बाद वहाँ पे धागा ज्वाइन करना है सबसे पहले हमें एक चैन लेना है आगे का जो ये लूप है यहाँ पे हमें चार डबल क्रोश बनानी है पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा चार डबल क्रोशड हमारे हो गए एक चैन लेना है आगे का जो लूप है उसमें भी हमें चार डबल क्रोशेड बनानी है ये पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा चार डबल क्रोशड हो गए एक चेन लेना है सेम आगे के लूप में भी चार डबल क्रोश बनाने हैं इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करके लेना है ठीक है सारे डबल क्रोशेड मेरे हो गए अब चार डबल क्रोशेट के बाद यहाँ पे भी हमें ये क्लोज करना है दो चेन लेना है आगे के चार डबल क्रोशेट के सेंटर तक आना है एक स्लिप स्टिच लेना है टर्न करना है टर्न करने के बाद ये जो चार डबल क्रोशेट है देखिए चार डबल क्रोशेट के सेंटर में हम चार डबल क्रोशेट बनाएंगे ये पहला ये दूसरा तीसरा और ये चौथा अब आगे का जो ये स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है आगे के चार डबल क्रोशेट के सेंटर में चार डबल क्रोशेट बनाने हैं एक दो तीन और चार नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट जो एक चैन का स्पेस हमने बनाया है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट आगे के चार डबल क्रोशेट के सेंटर में चार डबल क्रोशेट पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा आगे का जो एक चैन का स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके लेना है देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए अब यहाँ पे भी हमें ये जो चार डबल क्रोशेड के सेंटर में एक्स लिप स्टेस से क्लोज करना है दो चेन लेनी है एक और दो आगे का ये जो चार डबल क्रोशेड के बसपेस है वहाँ पे एक से क्लोज करना है टर्न करना है देखिए चाहे तो मार्कर आप निकाल सकते हैं आगे के चार डबल क्रोशेट के सेंटर में चार डबल क्रोशेट बनानी है एक दो अब हमें दो चैन लेनी है एक और दो सेम जगह पे और दो डबल क्रोशेट बनाने हैं इस तरह से हमने ये चार डबल क्रोशेट बनाए सेंटर में दो चैन बनाई अब आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है देखिए इस तरह से अब नेक्स्ट चार डबल क्रोशेट के सेंटर में दो डबल क्रोशेट दो चैन दो डबल क्रोशेट पहला हो गया ये दूसरा दो चैन ली मैंने सेम जगह पे और दो डबल क्रोशेट टोटल चार डबल क्रोशेट बनाने हैं आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट नेक्स्ट चार डबल क्रोशेट के सेंटर में चार डबल क्रोशेट पहला ये दूसरा दो चैन लेनी है सेम जगह पे और दो डबल क्रोशेट टोटल चार डबल क्रोशेट हो गए नेक्स्ट डबल डबल क्रोशेट क्रोशेट के ऊपर एक इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करके लेने हैं देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए अब हमें ये इस चार बल क्रोश के बाद जो जगह है जहाँ पे हमने ये मार्कर लगाया है वहाँ पे क्लोज करना है धागे को कट करना है अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है अब ये जो, जो सेंटर है यहाँ पे हमें ये फ्लावर फिक्स करना है एक पिंक कलर का एक्स्ट्रा धागा लेके, आप सुई धागे से भी ये ज्वाइन कर सकते हैं मैंने ये क्रोशर से ही जॉइंट किया है अभी एक्स्ट्रा धागा हमें कट करके छुपा देना है ये पहला पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया अब दूसरा पैटर्न हमें आगे के सत्रह डिज़ाइन में बनाना है यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह यहाँ पे धागा ज्वाइन करके लेना है ये सत्रह डिज़ाइन के बाद और यहाँ से पाँच डिज़ाइन छोड़नी है और आगे से पांच डिज़ाइन छोड़ के एक मार्कर लगा के लेना है अब यहाँ से एक दो तीन चार पाँच ये पांच डिज़ाइन छोड़ के हमें दूसरा धागा लगाना है जो सेंटर के सात डिज़ाइन है इसमें हमें फ्लावर ज्वाइन करके लेना है और जैसे हमने पहला पैटर्न स्टार्ट किया था उसी तरह से ये दूसरा पैटर्न भी हमने यहाँ बनाना है देखिए फ्लावर को इस तरह से रखना है हमें टोटल ग्यारह पेटल्स ही चाहिए तो ये जो बारह पेटल है हमें स्टार्टिंग का और एंड का जो पेटल है इसमें डिवाइड करना है इस तरह से और ये ग्यारह पेटल बना के यहाँ पर फ्लावर फिक्स करना है इस सात डिज़ाइन में और आगे सेम हमें वैसे ही डिज़ाइन बनाना है यहाँ पर देखिए जहाँ यहाँ तक हमारा पैटर्न बनेगा और यहाँ से यहाँ तक उसके आगे हमारा जो तीसरा पैटर्न है वो बनेगा आगे के सत्रह डिजाइन में इस तरह से सारे पैटर्न बना के लेने हैं देखिए दूसरा पैटर्न भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है लेकिन जो दूसरा पैटर्न है उसका ये पिंक कलर का दूसरा राउंड तक ही हमने कंप्लीट किया है अब यहाँ पे ये पहले हम कंप्लीट करके लेंगे बाद में तीसरा राउंड बनाएंगे जो चार डबल क्रोशेड है उसके सेंटर में हमें ये फिक्स करना है इसके बाद हमें एक और दो दो चैन लेनी है और यहाँ पे आना है देखिए ये पैटर्न हमारा इसमें जॉइन भी होगा और ये यहाँ का तीसरा राउंड कंप्लीट भी होगा टर्न करना है देखिए टर्न करने के बाद यह हमारा पहले डिजाइन में हमें ज्वाइन करना है इस डिजाइन में ज्वाइन करेंगे तो पहले दो डबल क्रोशेट हम कंप्लीट करेंगे एक और ये दो अब हमें एक चैन लेना है अब जो ये पहला पैटर्न है इसका ये डिज़ाइन लेना है और यहाँ पे ये स्लिप स्टिच से, से जॉइन किया अब एक चैन लेना है और आगे के दो डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं देखिए इस तरह से हमारा पहला पैटर्न ज्वाइन करके हो गया है अब ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे आगे के जो चार डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हम पहले दो डबल क्रोशेट बनाएंगे ये पहला और ये दूसरा एक चैन लेंगे जो ये दूसरा डिज़ाइन है इसमें ये इस तरह से एक स्लिप स्टिच लेंगे फिर एक चैन लेना है और बाद में यहाँ के दो डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं पहला और ये दूसरा अब आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है नेक्स्ट पैटर्न के पहले दो डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं फिर दो चेन लेनी है सेम जगह पे दो डबल क्रोशेट बनाने हैं आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट अब यहाँ से हमारा जो पैटर्न है वो सेम वैसे ही बनेगा इसी तरह से तीसरा पैटर्न भी हमें दूसरे पैटर्न को ज्वाइन करना है जैसे हमने पहले ये पहला पैटर्न कंप्लीट किया बाद में दूसरा पैटर्न ज्वाइन किया उसी तरह से तीसरा पैटर्न भी हमें दूसरे पैटर्न को ज्वाइन करना है देखिए दो जगह पे हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है इस तरह से ये ज्वाइंट करने के बाद दिखेगा इसी तरह से हमें ये आगे का पैटर्न भी जॉइंट करना है सेम दो राउंड कंप्लीट करके लेने हैं और तीसरा राउंड जॉइंट करना है देखिए तीसरा पैटर्न भी हमारा ज्वाइन करके हो गया है इस तरह से हमने तीनों पैटर्न कंप्लीट करके लिए हैं लास्ट में हमारे यहाँ पे देखिए चार डिजाइन रह गई है जैसे स्टार्टिंग में हमने चार डिज़ाइन छोड़ दी थी वैसे हमें लास्ट में भी चार डिज़ाइन छोड़ देनी है हमारी लटकन लगाने के लिए अब यहाँ पे हमें येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है सात चेन बनानी है एक दो तीन चार पाँच छ और सात आगे का जो ये दो चेन का लूप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट फिर से सात चेन बनानी है जो दो चेन का स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट इस तरह से सात सात चेन बनानी है और एक एक सिंगल क्रोशेट से क्लोज करना है से सारे लूप हमें बना के लेने हैं देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट किए। अब ये जो हमने ज्वाइंट किया है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है फिर आगे से सात चेन लेनी है और नेक्स्ट दो तो चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशेट फिर से सात चेन बनानी है एक सिंगल क्रोशेट इस तरह से हमें ये सारे चेन के लूप कंप्लीट करके लेने हैं सात सात चेन के लूप कंप्लीट करके लेने हैं ये राउंड कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा राउंड है हमें इस तरह से लेना है देखिए यहाँ पे आएगा फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा तो यहाँ से एक और यहाँ से एक इस तरह से ये लूप बनेंगे देखिए इस तरह से मैंने सारे तोरण में ये लटकन लगा के ले लिए हैं और हमारा तोरण कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आपके कोई कमेंट्स से सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए थैंक यू